ये देखें आप, कलरफुल यमी यमी से, जो कि बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर चिकन भी है जो सबकी फेवरेट होती है। तो इस स्नैक को जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट्स दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर सीखेंगे चिकन एंड वेजिटेबल पॉकेट स्नैक बनाना, जो कि बहुत ही यमी होते हैं। हमेशा हम बाजार से खरीद करके खाते हैं, लेकिन आज हम घर पे ही बनाना सीखेंगे इसे, जो कि बाजार से भी ज्यादा मजेदार बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने यहाँ पर रोल शीट होती है वो मैंने ली है यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही मैंने यहाँ पर जो है कुछ चीजें ली हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 कप चिकन है शेड की हुई, बंद गोभी है आधा कप कटी हुई बारीक बारीक, प्याज है, ग्रीन ऑनियन जो होती है उसका व्हाइट पार्ट मैंने लिया है, ये भी आधा कप है, और आधा ही कप हमारे पास बारीक चॉप करी हुई गाजर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, और अब हम इसमें अपनी ऑनियन जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए, प्याज को हमें नरम बिल्कुल नहीं करना है, बस 30 सेकंड के करीब ही इसे हमने सॉटे करना है। उसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, स्पून सॉल्ट, 1/2 टी स्पून चाइनीज सॉल्ट, 1 टी स्पून चाट मसाला से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर देंगे। 1 मिनट ही इसे हम कुक करेंगे। अगर हमें ज्यादा इसे पकाया तो प्याज जो है वो हमारी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। कटी हुई गाजर ऐड कर देंगे, गोभी वेजिटेबल के साथ भी इसे हम 1 से 2 मिनट ही कुक करेंगे। पॉकेट बना के फ्राई करेंगे तो उस टाइम पे भी ये भाप के अंदर तमाम सब्जियां जो हैं वो खुद ब खुद नरम हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी फीलिंग जो है वो ठंडी हो चुकी है, और यहाँ हमने रोल शीट ले ली है ये इस तरीके से, तो इससे हम बहुत ही जबरदस्त किस्म के पॉकेट बनाएंगे। फीलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है और यहाँ पर हमने जो है रोल शीट ले ली है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, इससे जो है पॉकेट बनाना बहुत ही आसान होता है। अब हम यहाँ बिल्कुल साइड पर जितना आपका दिल करे 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून जितना आप फीलिंग जितनी आपको पसंद हो, तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो अब हमें करना क्या है, अब हम इसे इस तरीके से पलटेंगे इस हिस्से को, और यहाँ पर हम आटे की बनी हुई लई लगाएंगे, और साथ ही हम इस जगह पर भी लगा लेंगे वरना बाद में हमें परेशानी होगी। देख लें आप, ये शुरू में और लास्ट में, ठीक है। और फिर इसी तरीके से इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि हमारी जो बर्थ है शीट है वो आपस में ज्वाइंट हो सके, ये इस तरीके से। और अब हम इसे पलट लेंगे, और पलटने के बाद हम दोनों साइडों पर दोबारा से ब्रश की मदद से या स्पून की मदद से, फिंगर की मदद से जो है लोई लगा लेंगे, और इस तरीके से इसको हम बंद कर देंगे। और इसी तरीके से सारे बना बना कर हम पहले सेव कर लेते हैं और उसके बाद आपको फ्राई करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें सारे पॉकेट्स बना करके रेडी कर लिए हैं, तो चलिए फ्राई करते हैं अभी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये देखें आप, माशाल्लाह से बड़े ही प्यारे फ्राई हो रहे हैं। तो जैसे ही इनका कलर लाइट गोल्डन होगा हम इन्हें निकाल लेंगे, डार्क गोल्डन नहीं करेंगे, वरना इसका कलर जो होता है जब तक ये गर्म होते हैं अपनी गर्माई में पकते हैं और इनका कलर जो होता है वो मजीद डार्क हो जाता है। तो जो बाहर का कलर होता है ना बाजार के स्नैक्स का, तो वो हम कहते हैं कि हमारे घर में ऐसा कलर क्यों नहीं आता है, वो इसलिए नहीं आता है कि वो फुल फ्राई नहीं करते हैं, वो ऑयल के अंदर, गर्म ऑयल के अंदर जो है ना इनका कलर चेंज नहीं करते हैं, बल्कि वो लाइट गोल्डन रखते हैं ताकि बाहर निकालने के बाद जो है इनका कलर खुद बहुत प्यारा सा हो जाता है। तो ये देखें आप, माशाल्लाह से लाइट गोल्डन होना शुरू हो चुका है। ये बहुत यमी बनते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं, इसे आप शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं, मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, मेहमान खुश हो जाएंगे घर की साफ सुथरी फ्रेश चीज़ें खा करके। और जो है इससे भी अच्छी जो बढ़िया बात है वो ये कि रमज़ान आने वाले हैं, तो इसे आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं, घर वाले खुश हो जाएंगे। और ये देखें कितनी जल्दी स्नैक तैयार हो जाते हैं, और देखें यहाँ पर इनका जो कलर है माशाल्लाह से लाइट गोल्डन हो चुका है। तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, किसी भी स्टील वगैरह के बर्तन में ही निकाल के रखा करें इसे। तो ये देखें गाइस, हमारे जो हैं पॉकेट स्नैक्स बन के बिल्कुल रेडी हैं, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त यमी से, मैं आपको इसे तोड़ के दिखा। तो ये देखें आप, कलरफुल यमी यमी से, जो कि बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर चिकन भी है जो सबकी फेवरेट होती है। तो इस स्नैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट्स दीजिएगा,
एंड देन जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। बहुत ही टेस्टी से चिकन सिगार बना रहे हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से बन जाते हैं। यहाँ पर हमने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली है। ये मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया था, आप चाहें तो थाई वगैरह का भी बोनलेस ले सकते हैं। और इसे मैंने रफली कट कर लिया है। इसके अंदर मैं एक अदद शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को हम चॉपर में अच्छी तरीके से पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने एक अदद ग्रीन प्याज लिया था, ग्रीन ऑनियन, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। वाइट पार्ट मैंने ऐड नहीं किया है। यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गार्लिक चॉप किया हुआ, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून नमक, 1 अदद यहाँ पर हमने ईग ले लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। तो हमारी फिलिंग जो है बिल्कुल रेडी है और ये इसी तरीके की रनी होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। हमने रोल बनाने, बड़े रोल जो बनते हैं उसके हमने यहाँ पर मांडा पट्टी ली है और सब पीसेस को हमने यहाँ पर अलग अलग कर लिया है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि बाद में इनको अलग करना मुश्किल हो जाएगा। अब हम इस तरीके से इन्हें फोल्ड कर तो ये देखें आप, ये हमारे पास इतने सारे हो गए, छोटे करके अलग करना मुश्किल था। अब हम इसे दोबारा से प्लास्टिक में ही रख लेंगे ताकि ये सूखे ना, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो गर्मियों के अंदर फौरन सूख जाती हैं। तो यहाँ पर देखें, हमने एक स्ट्रॉ ले लिया है, पाइप जो फालूदे में शरबत वगैरह में जो मिलता है वो वाला स्ट्रॉ है। यह स्ट्रॉ जो है वो दबना नहीं चाहिए। आधा जब हम फोल्ड कर लेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी लई लगा लेंगे, लई ज़्यादा नहीं लगानी है, हल्की हल्की सी ही लगानी है। बस इस तरह से, और फिर आराम से हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखें आप, इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें आप, इस तरीके से हम इसे आराम से पहले पकड़ के फोल्ड करेंगे। और जब आधा फोल्ड हो जाएगा तो यहाँ पर हम लई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा होगी उसे हटा लेंगे। और ये देखें आप, तो ये सारे के सारे जो सिगार हैं वो हमें ऐसे ही बना लेने हैं। तो ये देखें, हमारे रेफर जो हैं बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इन्हें सिगार, चिकन सिगार भी कह सकते हैं और चिकन रेफर भी कह सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर जो अपना चिकन का मिक्सचर तैयार किया था वो हम फीलिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग ले लिया है, और उसके अंदर सारा मिक्सचर जो है डाल लिया है, सारा नहीं मतलब मुनासिब थोड़ा डाल लिया है। और यहाँ पे मैंने नोजल भी लगा लिया, आप चाहे तो नॉर्मल पाइपिंग बैग जो होते हैं आप वो भी ले सकते हैं। तो अब ये इस तरीके से करके और ये इसके अंदर हम रखेंगे और थोड़ा सा पुश करेंगे। बहुत ही इजी होते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। ये देखें आप इस तरीके से,
ये देखिए यहाँ तक पूरा फिल हो जाएगा। ये हम साइड पर रखते रहेंगे, दूसरा सिगार ले लेंगे इस तरह से और पुश करेंगे। बहुत ही इजीली, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। देखा आपने कैसे आगे से निकल जाते हैं। बनाने में भी बहुत मजा है, एक फन है ये। ये देखें आप, तो देखिए हमारे पास मिक्सर बच चुका है। इससे हम और भी मजीद बना लेंगे। यहाँ पर जितने भी मैंने सिगार बनाए थे वो सारे के सारे फिल कर लिए हैं, तो अब मैं इन्हें सेव कर लेती हूँ। किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर आप रख लीजिए इन्हें, और जब भी आपको फ्राई करने हो तो थोड़े देर पहले निकाल लीजिए, आधा घंटा पहले फ्रीजर से, और उसके बाद फिर आप इन्हें फ्राई कर लें। तो थोड़े पीसेस मैं आपको जो है फ्राई करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो हमें ज्यादा हाई नहीं रखना।